तो भाई छोटों को हेलो, बड़ों को प्रणाम, सभी दर्शकों को अपनी राम राम। तो नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई ये है डे वन इन गोवा। तो भाई हम आ चुके हैं अभी कैलंगुट बीच पे। तो आप देख सकते हो एक बार यहाँ का व्यू। वाह भाई वाह, आगे ऊपर थोड़ी सी पहाड़ी भी है, वहाँ भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। तो उस साइड भी जा सकते हो, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं वहाँ पे। अभी हम भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं और फिर बाकी का दिन कंटिन्यू करते हैं। तो यार यहाँ पे ले रखा था हमने रूम। ये आ गया हर्षा, आ गया जोसेफ, और भाई इसमें मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का भी है और यहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। अभी थोड़ा एक बार रूम और दिखा देता हूँ। ये क्लिफ टॉप कॉटेज करके है, तो ये वाला लिया था हमने। तो भाई ऐसा कुछ रूम है मतलब लकड़ी का, और ऊपर भी है मतलब। तो भाई ये ऊपर का व्यू है कुछ। यहाँ पे भैया हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। वैसे रूम वगैरह आप देख सकते हो। थोड़ा मतलब बाथरूम भी दिखा देता हूँ। अभी लाइट नहीं है मतलब यहाँ पे, बाथरूम थोड़ा बस ओके ओके, बाकी सब चीज़ें बढ़िया लगी। तो भाई पूल वगैरह का यूज़ अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैंने तो नहीं किया मतलब। तो भाई यहाँ पे हस्की है, इसके साथ भी हमने बहुत सारे फ़ोटो लिए। तो भाई ये वाला जो स्टे है, तो इससे जैसे आप सामने से आते जाओगे तो भाई वहाँ पे आपको दिखेगा कैलंगुट बीच। वाह भाई वाह, आप व्यू देख सकते हो एक बार। इस व्यू को देखते ही तो भाई ऐसा मन कर रहा है कि भाई कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूँ। भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो एक बार। ओए होए, बिल्कुल जन्नत जैसा एहसास हो रहा है। तो भाई यहाँ पे शॉप है, यहाँ से भी आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे ये कैफ़े वगैरह बन रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट ही होने वाला है। अभी हम आए हैं 29 सितंबर को। तो यार एक बार आपको मैं नज़ारा दिखा देता हूँ यार। ओए होए 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 होए, वाह भाई वाह, काफ़ी ज़्यादा भाई स्वर्ग का एहसास हो रहा है। तो भाई अपने साथ यहाँ पे कोबी ब्राइन सिवा भाई, कोबी ब्राइन का काफ़ी बड़ा फैन है ना। तो सिवा कैसा लगा ये कैलंगुट बीच? अच्छा है भाई, काम है, पीसफुल है। बागा एंड कैलंगुट बीचेस आर हैपनिंग फॉर नाइट लाइफ। 4-5 बजे के बाद बहुत बहुत मस्त लाइट्स वगैरह लगा के डांस गाना सब अच्छा रहता है भाई। ये बागा बीच और कैलंगुट मतलब नाइट लाइफ के लिए ज्यादा फेमस है, तो आप यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आराम से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लब वगैरह भी है। 12 बजे तक से 1 बजे तक अच्छे अच्छे गाने, ब्राजीलियन गाने सब लगा के। इफ यू गो इनटू एनी ऑफ द टैंक्स ऐसा कुछ जाएगा तो यू विल बी एबल टू सी देम। अच्छा, ओल्ड पीपल वाइबिंग लाइक एनीथिंग। ओल्ड तो भाई आजकल लोग अपने दिल से ही हो रखे हैं। हाँ, तो अपने भाई दिल को जीवंत रखो। सही है। पहली बार जब आया था, I was 2014 कुछ में, जब मैं 14 में था। अरे वाह यार, भाई जो बंदा इतने पहले आ जाए भाई, उसने तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। हमारी तो गोवा की ट्रिप बनी नहीं पा रही थी। 20 साल था तब, वही कॉलेज में आए थे तब, क्या था पैसा भी नहीं देता हमारा। हाँ। तब थोड़ा एक्सपेंसिव भी कम था, उतना भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो भी बचा बचा के लेके आए थे। हाँ। और क्या, सिर्फ एक दो बियर पकड़ के इधर उधर घूम के गए थे, उधर बाका। अच्छा। का एक दो रिसोर्ट बीच पे अंदर गए थे, मतलब क्या वाइब है, क्या वाइब है, सही था। तो वही अपने साथ है यहाँ पे साउथ के सबसे बड़े मॉडल भाई वेंकट साई। Did you like this beach or what? Yeah, it was very good. What's the main thing that attracts you over here? Oh, here. A Russian? What are you saying? Russians? Eh? Naughty, Yora. I feel like this is not a most crowded one. Haan, most crowded one nahi hai. Not a season time. Maybe. That's the reason. Maybe it's not as popular. But for us, so it's peaceful but only. It was very peaceful. It was a very good vibe. We could enjoy. Do you enjoy like beach or mountains? Beaches. Oh. So we have Joseph here. So Joseph, कैसा लग रहा है फिर यहाँ गोवा आके? सबसे पहले तो गोवा के तो थोड़ा बहुत रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि भाई काम कर करके ऐसा मूड हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी चाहिए चाहिए। हाँ। तो और ये कैलंगुट बीच कैसा लगा? कैलंगुट बीच बहुत सही है, मतलब राइट नेक्स्ट टू बागा। हाँ, बागा के बिल्कुल ही पास है भाई ये। देयर इज नॉट टू मेनी पीपल। हाँ, और वैसे पीसफुल वाइब चाहिए तो यहाँ आ सकते हो, क्योंकि अभी तो कम ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और पानी भी थोड़ा साफ दिख रहा है। राइट। तो भाई गोवा मतलब कितने साल से सोच रहे हो आने का? मैं तो आ चुका हूँ 2-3 बार। अरे हम ही रह गए भाई जिनके प्लान नहीं बन पाते हैं।
पर गोवा ना बढ़िया लगता है मतलब। हाँ हाँ, क्या चीज मतलब ज्यादा एंजॉय करते हो यहाँ की? आई लाइक द चिपोरा फोर्ट। अच्छा, चिपोरा फोर्ट एंड आरंबोल सेक्शंस। तो यार बीच आप देख सकते हो यार एक बार, ओए होए 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 भाई क्या ही व्यू है। और भाई पानी काफी ज्यादा साफ दिख रहा है अभी तो, लोग भाई काफी कम मात्रा में है यहाँ पे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी अगर आपको उनका एंजॉय करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो भाई शेक के प्राइस मतलब यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी भाई जो भी जिनकी श्रद्धा। भाई इस व्यू को तो मतलब जितना देखोगे उतना ही आपकी आंखों को शांति मिलती रहेगी। भाई यहाँ पे थोड़ा बैठो, रिलैक्स करो थोड़े भाई, या तो सी की वॉइस सुनो, मतलब सी से जो आवाज़ आ रही है वो सुनो, या फिर भाई अपने कोई सॉन्ग लगा लो बढ़िया सा, तो उस चीज़ का भी आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो भाई यहाँ पे रील वगैरह शूट की और वैसे हमने फन किया, एंड वेंकट एंजॉयड दी वॉटर एंड ही एंजॉयड द गर्ल्स। नो नो नो, यू कैन सी लाइक देयर इज नो वन, सो वी एंजॉयड देयर ओनली। ओ कलाबाज यार, वैसे अगर गोवा की बात की जाए तो अभी थोड़ी मौसम में गर्मी है यार। तो भाई ये वो शॉप थी जिससे भाई हमने लिए है काजू, न्यू गोवा कैसे। तो यार यहाँ पे सब टाइप के नट्स वगैरह वो सब मिलते हैं। भाई ये वाला अनपॉलिश्ड है और ये वाला पॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड का क्या प्राइस बताया भैया? 650। अनपॉलिश्ड का 650 और ये वाला 1150। 180 का होता है काजू कोकोनट बर्फी, ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं। भाई काजू कोकोनट बर्फी गोवा की फेमस, ये देखते हैं एक बार। काफी बढ़िया लग रही है भाई ये तो, मेरे को कोकोनट भी पसंद है और काजू भी पसंद है, तो दोनों ही चीज़ इसमें है। तो भाई एक लिए है अनपॉलिश काजू और एक लिए है पॉलिश वाले, तो इनके अभी बिलिंग कराता हूँ और चलते हैं। भाई रेट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, तो गोवा में आ रहे हो तो काजू वगैरह तो ले ही लेना। तो भैया अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह क्या रहेगा? कालंगू आरपुरा रोड जोया मार्ट रेस्टोरेंट। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू, बढ़िया लगा मिलकर आप लोगों से। तो यार चलो अभी चलते हैं और आज हम जा रहे हैं बिग डैडी कैसीनो, भाई रात में उसका एंजॉय लेंगे। तो अभी चल रहे हम बिग कैसीनो, तो भाई वहां जाके आज पूरा फन करने वाले हैं। तो भाई आपको मैं अभी अंदर से भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ सीन है, कैसा क्या माहौल है, वर्थ इट है या नहीं है। तो भाई अपने साथ है यहाँ पे जोसेफ फ्रॉम बेंगलोर और इस साइड है हर्षा फ्रॉम हैदराबाद। तो भाई एक्साइटेड हो? यस वेरी मच। पहले कभी आए हो क्या कैसीनो? कभी आए हो पहले कैसीनो? पहले कभी नहीं आए, ये तो पहली बार है, तो देख रहे हैं व्हाट्स द एक्सपीरियंस। क्या एक्सपेक्टेशन है वैसे? एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं है, जस्ट एंजॉय करने हैं बस। एंजॉय करना बस जो भी। तो भाई ये जितने भी कैसीनो वगैरह है ना ये पंजी में पड़ते हैं, तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। तो आप भी देख लेना मतलब जैसा भी टैक्सी वगैरह या जो भी अरेंज हो, या फिर स्कूटी वगैरह, पर भाई स्कूटी ध्यान से चलाना, रात को पी पा के कहीं टहल ना जाओ भाई। तो भाई थोड़ा एंट्री लेने का समय आ गया है। तो भाई वहाँ पे कुछ प्राइस लगे हुए हैं, आप देख सकते हो प्राइस। तो यार अंदर का कुछ ऐसा सा सीन है आप देख सकते हो, वो यार नाइट का माहौल तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। ये कुछ बोट है भाई जो हमें वहाँ तक मतलब छोड़ेगी मेन क्रूज तक। हमारे साथ है यहाँ पे वेंकट, वेंकट फ्रॉम बेंगलोर। तो अपने पास है यहाँ पे शिवा फ्रॉम बेंगलोर। हेलो, हाय शिवा, हाउ आर यू? तो भाई यहाँ से ये हमें मेन क्रूज पे लेके जाएगी, वहाँ पे हम जा रहे हैं बिग डैडी कैसीनो पे। भाई देखो एक बार उस साइड, ओए माहौल क्या बात है भाई, क्या ही अलग ही माहौल है वहाँ पे। और ये आ गया अपना बिग डैडी भाई, क्या बात है भाई, ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यार, आप देख सकते हो इसकी भी लाइटिंग काफ़ी बढ़िया है। तो यार ये वैसे काफ़ी लेविस टाइप का बना रखा है, अच्छा खासा। यहाँ पे नीचे मतलब तीन फ्लोर पे गेम है, ऊपर मतलब खाना वगैरह। वी आर गोइंग टू विन दिस नाउ, इट्स मेड फ्रॉम कोहिनूर, लेट्स सी इफ वी विल विन दैट ऑर नॉट। ये भाई ड्रिंक वगैरह का काउंटर है, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। तो भाई ये कुछ प्लेटर लगा हुआ है, तो मैंने भी कुछ आइटम डाल लिए हैं, तो भी इनको खा के एंजॉय करते हैं। तो भाई खाना वगैरह तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की, मतलब वेज भी नॉन वेज भी, तो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी।
भाई 12-12.5 बजे के बाद, आप देख सकते हो भाई। मैं तो ये फिर बार मिंट मोजी को ये सबसे बढ़िया लगी। अभी चलते हैं बाहर, तो भाई काफी ज्यादा मजा आ गया। बाकी अपने दोस्तों से पूछते हैं कि इनको कैसा क्या लगा, हाउज योर एक्सपीरियंस वेंकट। व्हाट अबाउट योर व्यूज ब्रो? मस्त था भाई, मजा आ गया। परफॉर्मेंस और वो सब भी था, मजा आ गया। खाना भी बढ़िया था, अच्छा था खाना, ठीक है लेकिन अच्छा था। जोसेफ व्हाट आर लाइक योर व्यूज ऑन दिस? भाई जैसा जोसेफ ने स्टार्टिंग में बोला था ना, वही एंड तक टिका हुआ है कि भाई एंजॉय करना, और वो एंजॉय कर पाया। तो भाई हर्षा कैसा क्या रहा फिर, कैसी हो? पहली बार गए हो तो कैसा क्या लगा? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, जिसकी वजह से मैं लॉस हुआ बेट। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, वीडियो आप सबको कैसी लगी आप जरूर बताना। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पे अच्छा सा कमेंट करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सफर विद सैम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।